Hi guys, welcome back to my channel. I am Kishmi and I hope you're all doing well. And a new background. I'm just experimenting. मैंने ये जगह थोड़ी figure out करी. I was like, यहाँ भी करके देखते हैं जरा YouTube video कैसी लगती है. और मैंने शायद थोड़ा लंबा break ले लिया. मैंने शायद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मैंने कुछ upload नहीं करा. मैं बस procrastinate करती रही और upload नहीं करा और date निकलती गई और February आ गया. तो आज की जो वीडियो है मुझे थोड़ी सी पहले डाल देनी चाहिए थी, बट नेवर माइंड, देर आए दुरुस्त आए. अभी मुझे लगता है मैं थोड़ी बहुत टाइम पे हूँ, अभी भी लोग इसको देख लेंगे. आई रियली होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड. मेरी अपनी फेयरवेल फरवरी के एंड में हुई थी, मिड एंड में, सो देर इज स्टिल टाइम लेफ्ट की अगर आपको इस वीडियो में से कुछ पसंद आता है तो आपको टाइम से ऑर्डर कर सकते हो, मंगा सकते हो. सिंस अमेजोन से है तो जल्दी आ जाता है सब. फन फैक्ट, मैंने अपनी फेयरवेल पे साड़ी नहीं पहनी थी. यस, मुझे अपनी फेयरवेल पे कुछ डिफरेंट पहनने का मन था, तो मैंने एक गाउन, लाइक स्ट्रेट ड्रेस गाउन टाइप ऐसा पहना था जिसके थोड़े से कट स्लीव्स थे. और फिर बाद में मुझे टीचर्स ने ऊपर से एक शॉल उड़वा दी थी कि बेटा हवन में बैठना है. हमारे स्कूल में हवन होता था, तो हवन में बैठना तो ढक के बैठो जरा. बट उसके बाद उतारना अलाउड था, सो नेवर माइंड. जब मैं 12th में थी तब इतना अमेजोन वगैरह नहीं होता था. मतलब अमेजोन, मिंत्रा, दे ऑल यूज टू एग्जिस्ट, बट इतना उनसे कोई सामान मंगाता नहीं था. और इतनी वीडियोस भी नहीं होती थी कि आपके सारी रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबसे भर गई हूँ वीडियोस, तब इतना कुछ नहीं होता था. तो हम सीधा मार्केट पे ही फोकस करते थे, ऑनलाइन हम बहुत ही कम देखते थे. तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज कर लो यार, बहुत अच्छा लगेगा मुझे. इस वीडियो में आपको 4 साड़ीज दिखाऊंगी. सरप्राइजिंगली मेरे पास 2 साड़ीज इस वक्त नहीं है कि मैं आपको फिजिकली दिखा सकूं, बिकॉज वो मैंने किसी को दे दी हैं पहनने के लिए. 2 मेरे पास हैं, बट हाउएवर ट्राई ऑन हॉल मेरे पास सबका है. तो आपको सारी साड़ी की क्लिप दिखेंगी जो मैंने पहनी हुई है. प्रॉपर दिखेगा कि मुझ पर कैसी लग रही हैं, उनका कपड़ा मुझ पर कैसा लग रहा है, उनकी फॉल कैसी पड़ रही है, एंड एवरीथिंग. ओके, सो फर्स्ट साड़ी है ये वाली. दिस इज अ ब्लैक एंड ग्रे साड़ी. एंड ये जॉर्जेट का कपड़ा है. जॉर्जेट के कपड़े की साड़ी की फॉल हमेशा बहुत बढ़िया आती है. एंड सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो इन केस इफ यू लाइक एनीथिंग, जस्ट क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड सीधा वहीं से जाके खरीद लेना. ज्यादा टाइम मत लगाना, ज्यादा सोचना मत, बिकॉज फेयरवेल पास आ रहा है तो टाइम से ऑर्डर कर देना फटाफट. ओके, तो दिस इज हाउ द साड़ी लुक्स ऑन मी. इसका एक बहुत ही प्रिटी थोड़ा सा मिरर वर्क वाला बॉर्डर था जो साड़ी में पूरी जान डाल रहा था. एंड ओवरऑल ये एक ग्रेडियंट ब्लैक एंड ग्रे की साड़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी. ब्लैक इज ऑलवेज लाइक अ क्लासिक कलर, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस. तो दिस इज वन ऑफ द साड़ीज की आप इसको आंख बंद करके ले सकते हो. आपको इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आप चुपचाप ये ले लो, बिकॉज ये किसी पे भी अच्छी लगेगी. इसके साथ मैंने पहना है एक सीक्वेंस वाला ब्लाउज. ये सीक्वेंस ब्लाउज मैंने लोकल शॉप से लिया है, बट सिमिलर ब्लाउज मुझे अमेजोन पे मिल गया है, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी. ओवरऑल यू कैन सी बहुत अच्छी फिट आई, दो दिस इज नॉट द बेस्ट ड्रेप बिकॉज मुझे साड़ी बांधनी आती नहीं एंड मेरी मम्मी को भी खास आती नहीं, वो भी बस थोड़ी बहुत बांध लेती है, तो मैंने उनसे बंधवा ली थी वीडियो बनवाने के लिए. बट आप इससे बेटर डेफिनेटली ड्रेप कर सकते हो. आपका फेयरवेल डे है और मुझे ना शेपर मिला ना पेटीकोट था, तो मैं जैसे तैसे कर ली मैंने. बट ऑब्वियसली दिस विल नॉट हैपन विद यू. सो आई टोल्ड आफ्टर एवरीथिंग मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मुझ पर साड़ी कैसी लग रही थी. आई क्वाइट लाइक इट, सो एलिगेंट, सो ग्रेसफुल. इसके साथ मैंने ये बड़े बड़े राइनस्टोन्स वाले इयररिंग्स पेयर करे हैं, बहुत प्रिटी लग रहे थे. आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लोकल शॉप से, आपके आसपास मार्केट में, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू बाय ऑनलाइन तो मैं नीचे इनको लिंक कर दूंगी. सेकेंड साड़ी इज दिस वेरी प्रिटी एंड ब्यूटिफुल बेज साड़ी. दिस इज वो क्रश्ड कपड़ा इन थोड़ा सैटन का ऐसे क्रश्ड सा कपड़ा. तो ये हो गई हमारी अमेजोन की पिक्चर. नाउ यू सी हाउ दिस लुक्स ऑन मी. वाओ, आई मीन ये तो मेरी बॉडी पे जो फिट हुई ना, तो मेरी बॉडी उसे हक करा. ओ हो, मुझे तो मजा आ गया इसको देख के. दिस लुक्स सो ग्रेसफुल, सो ग्रेसफुल एंड सो एलिगेंट. इसके साथ मैंने सेम ब्लाउज पहना है, ये सीक्वेंस वाला ब्लैक कलर का, इतना बढ़िया जा रहा था. सेम इयररिंग्स डाले हैं और इस साड़ी मतलब मैंने इन साड़ियों की रील एक इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, तो मुझे काफी कॉमेंट्स आए इस साड़ी के लिंक के लिए. तो आपको तो लिंक मैं ऑर्डर नीचे दे रही हूँ, वहीं से खरीदने तो खरीद लेना. आप इसको एज इट इज पहन सकते हो, सेम लाइक वेरी मिनिमलिस्ट स्टाइलिंग लाइक दिस, या थोड़ा सा एक बेल्ट ऐड कर लो, इयररिंग्स डिफरेंट कर लो. अगेन ये भी किसी पे भी बहुत अच्छी लग सकती है, लाइक यूनिवर्सल साड़ी है ये. तो प्लीज
इसे मत मिस करना, अगर वो समझ नहीं आए ना तो ये जरूर लेना, ये बहुत प्रिटी साड़ी है एंड आपके आगे की बहुत काम आएगी। प्लेन साड़ी है तो यू नो काफी अच्छी गर्लिश लुक देती है एंड इसको आपको प्रेस वेस करने की भी टेंशन नहीं है, तो जैसे मर्जी रख लो एंड आगे भी बहुत काम आएगी, लाइक यूनिवर्सल है। एंड इस साड़ी में बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, तो यू नो यू कैन ऑल्सो चूज फ्रॉम योर शेड्स, बट मेरा ये फेवरेट है एंड दिस ऑल्सो लुक्स वेरी क्लासी एंड रॉयल, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इंग्लिश कलर आई वुड से। नेक्स्ट साड़ी जो है वो है मेरे पास, येस आई हैव दिस साड़ी एंड दिस इज लाइक इन बांधनी प्रिंट, बट दिस इज अगेन ये कॉटन का ही है बट ये क्रश्ड है एंड इस पे बांधनी प्रिंट है। यू कैन सी कि यू नो कि अमेजोन पे कैसी लगती है एंड नाउ यू कैन सी हाउ इट लुक्स ऑन मी। अगेन दिस लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल सिंपली बिकॉज ऑफ द कलर, इसका जो ये पर्पल कलर है इसके ऊपर ये वाइट का काम है बांधनी का, इसकी वजह से ये बहुत सुंदर लगती है। हाउएवर ये क्रश्ड कपड़ा है और ये जो कपड़ा है थोड़ा कॉटन वॉटन का, तो ये थोड़ा फूलने वाला कपड़ा है, तो जब मैं इसकी प्लीट्स बना रही थी तो थोड़ा सा ये आगे से फूल रहा था, बट हाउएवर इट्स नॉट विजिबल हियर बिकॉज आप बहुत टाइट पल्ला तो लोगे नहीं, तो इस तरीके का पल्ला लोगे तो नहीं पता लगेगा। नॉट रियली फूलने वाला कपड़ा आई वुड से बिकॉज दिस फूलने वाला तो नहीं है, बट थोड़ा सा उठने वाला कपड़ा है ये, तो अगर आपको सेफर साइड पर जाना है तो आप वो दो ले सकते हो, वरना ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो इट्स @kishmeen.kaur, तो आपने मुझे ये मल्टीपल टाइम्स पहने हुए देखा होगा, मल्टीपल नहीं मतलब काफी ऑलरेडी मेरे रील या पोस्ट इसमें देख लिए होंगे बिकॉज मैंने ये 2-4 बार ऑलरेडी साड़ी पहन ली है, बट मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे इसे इस वीडियो में इंक्लूड करना ही था एंड ऑल्सो मैंने यूट्यूब पे कभी नहीं दिखाई थी। बहुत ही अफोर्डेबल साड़ी है ये एंड वेरी गुड क्वालिटी एंड अगेन लुक्स सो ब्यूटीफुल ऑन मी, लुक्स सो फ्लैटरिंग ऑन माय बॉडी, अगेन 10/10, हाईली रेकमेंड दिस वन, बहुत प्रिटी है। अगर आपको कलर सूट करते हैं, कलर पसंद आ रहा है ना, किसको नहीं पसंद आएगा ये, तो ज़रूर ले लेना ये। ओके सो द नेक्स्ट साड़ी इज अगेन लाइक अ सैटिन क्रश्ड साड़ी, मुझे ये थोड़ी क्रश्ड साड़ियों से थोड़ा सा प्यार सा है। ये टील कलर में है सिंपली बिकॉज मुझे ये टील कलर ही बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये साड़ी ली, पता नहीं मुझे टील से प्यार हो रखा है पीछे कुछ टाइम से, आई एम नॉट जस्ट गेट मतलब मैं उससे ओवर नहीं हो पा रही। दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन सी सामने ये कैसी है, ठीक है दिस एंड This is the crush. This is how it looks on me. I wore this for a shoot. Okay, this was like a wedding outfit shoot or something. But यहाँ पे मैंने इसे जिस तरीके से style किया हुआ है ना, इस तरीके से आप obviously farewell में तो नहीं करोगे. तो इसमें obviously I'm looking mature and you know ready for a wedding or something. तो अगर हम सिर्फ साड़ी की बात करें तो आप इसे you know tone down करके इसे normal way में भी style करके बहुत सुंदर बना सकते हो. मेरे पास फिलहाल यही क्लिप है साड़ी की, तो उसको मतलब इसको अगर हम छोड़ दें, इसके साथ ही मैंने देखो सेम ब्लाउज पहना ब्लैक वाला, बहुत ही वर्सेटाइल ब्लाउज है ये, ऐसा एक ब्लैक सीक्वेंस ब्लाउज तो होना ही चाहिए आपके पास एंड नीचे लिंक है देख लेना। तो ये जो साड़ी है बहुत ब्यूटीफुल कलर है, ये बहुत अच्छा कपड़ा है इसका एंड अगर इस तरीके से स्टाइल ना करें बिकॉज ये बहुत हैवी स्टाइलिंग है एंड मिनिमल वे में स्टाइलिंग करें तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग सकती है। Again, 10/10 and highly recommended. Okay, so one thing that I forgot to tell you is about, you know, the blouse piece and everything. So this black saree comes with a blouse piece. इसके साथ एक plain black कपड़ा आता है, ठीक है? And इस black कपड़े से आप अपना blouse सिलवा सकते हो, या तो आप एक ready-made blouse ले लो, कहीं से order कर लो, या इस piece का, you know, stitch करवा लो। इस beige वाली साड़ी के साथ एक white black कलर का zigzag कपड़ा आता है। You can see जैसे इस model ने blouse पहना है, ऐसा ही एक कपड़ा आता है ब्लाउज का, तो उससे आप ब्लाउज बनवा लो। इस पर्पल वाली साड़ी के साथ भी एक व्हाइट कलर का कपड़ा आता है फॉर योर ब्लाउज पीस एंड आप स्टिच करा सकते हो। हाउएवर मैंने अपना एक क्रॉप टॉप पहन लिया था एंड ये वाली जो टील वाली साड़ी है इसके साथ कुछ नहीं आता, ये अपने आप में ऐसी आई थी, तो आप सिंपल कोई भी ब्लैक ब्लाउज के साथ पेयर कर सकते हो। ओके गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और आपको आपकी फेयरवेल साड़ीज मिल गई हो। सभी प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो कुछ लेना है तो सीधा नीचे जाओ, लिंक पे क्लिक करो एंड स्ट्रेट अवे बाय इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपकी फेवरेट साड़ी कौन सी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, पूरी वीडियो देख ली पर सब्सक्राइब नहीं करा, बैड मैनर्स, अभी सब्सक्राइब कर दो, ये रहा बटन जल्दी से दबा दो। You can also follow me on Instagram. My handle is @kishmeen.kaur. Thank you once again for watching. I will see you guys in my next video. Till then, goodbye and stay safe.